जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जैसे जैसे हनुमान जी कृपा आप पे होती जाएगी, आप इस रहस्य को भी समझते जाएंगे और इसको हृदय से स्वीकार भी करते जाएंगे कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। एक बार फिर से हम कृपा शब्द पे जोर दे रहे हैं और मेरी कोशिश ये होती है, मेरा प्रयास हमेशा ये होता है कि हनुमान जी कृपा कर दें। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हनुमान जी का कोई पाठ करते हैं, उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त होता है। ये हो नहीं सकता कि कर्म फल ना मिले। जब भी हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उनके किसी भी पाठ को करते हैं, तो उसका जो निर्धारित फल है वो मिलता ही मिलता है। लेकिन कई बार जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह के कमेंट्स सामने आते हैं कि हम इतने दिनों से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं लेकिन अभी तक मेरा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, जो भी हमारी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हुई, या जो हम चाहते थे उसमें विलंब हो रहा है, हनुमान जी अभी कृपा नहीं कर रहे हैं। लोग शब्दों में लिखते तो हैं कि हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये ज़रूर लिख देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर से एक बार हम स्पष्ट कर दें कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका प्रतिफल मिलता ही मिलता है, ये सभी सिद्ध साधकों का मानना है। लेकिन जितने की आवश्यकता होती है, कोई आपका मनोरथ है और जितने सुफल की आवश्यकता है उसमें अगर थोड़ी बहुत भी कमी रह गई तो फिर आपको लगता है कि मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। अगर कोई काम मान लीजिए कि 100 रुपये में होना है और हमने 50 रुपया ही अर्जित किया तो फिर 50 रुपये की तो कमी रह गई, तो फिर हमें लगता है कि काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो बैलेंस है ये धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। लेकिन जब हनुमान जी कृपा करते हैं, जब कृपा हो जाती है तो फिर सब संभव हो जाता है। आज एक हम विशेष पाठ की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे, आप लोगों ने कई बार इस पर कमेंट्स भी किया है, अपने अपने राय व्यक्त किए हैं और पिछले साल डेढ़ साल में इस बाबत हमने कई विद्वानों से, आचार्यों से, सिद्ध साधकों से जो संसार से त्यागी संत हैं उनसे ही बातचीत हुई है इस बाबत, और जिस रूप में सभी ने कहा है उस रूप में हमने आपके सामने रखा है। हम बजरंग बाण की पाठ कर रहे हैं। जो बजरंग बाण है वो कभी निष्फल नहीं होता, वो तुरंत फलदायी होता है। इसलिए कई बार कुछ साधक ये तो ज़रूर कहते हैं कि आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन साथ ही मना भी कर देते हैं कि हमेशा इसको ना पढ़ें, विकट परिस्थिति में पढ़िए, क्योंकि इसमें भगवान राम को शपथ दिलाई गई है, यानी हनुमान जी से ये कहा गया है राम की शपथ दिलाते हुए कि अमुक कार्य को आप पूरा करें, उसमें दुहाई दी गई है, उठ उठू चलू तो ही राम दुहाई, इस तरह की उसमें बात की गई है। इसलिए बहुत सारे जो साधक हैं वो इस बात को कहते हैं कि इसे हमेशा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये जानना बहुत आवश्यक है, इस विश्वास को कायम करना कि हृदय में हमारा जो ये विश्वास है उत्तरोत्तर बढ़ता रहे कि हनुमान जी सब कर सकते हैं। पहले विश्वास जितना ही प्रबल होगा उतना ही ज़्यादा कोई भी पाठ अपना असर दिखाएगा। अब देखिए हनुमान जी कितने दयालु हैं और भगवान राम के कार्य को करने के लिए कितने आतुर रहते हैं और कहाँ कहाँ शपथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जहाँ जहाँ शपथ की बात की गई है क्या हम वहाँ वहाँ इस पाठ को कर सकते हैं, इस बाबत हम विस्तार से बात करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में जब हनुमान जी का वर्णन किया है तो उसमें इस बात का जिक्र किया है और ये जो वर्णन है गोस्वामी तुलसीदास जी का ये आपको स्पष्ट करेगा और हनुमान जी के प्रति आपकी भक्ति को और अटूट और मजबूत बनाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो हो तव अनुशासन पाई तो चंद्रमही निचोरी चैल ज्यो आने सुधा सिर नाओ। गीतावली में लिखा है गोस्वामी जी ने, इसका अर्थ क्या हुआ? कहते हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम से कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए एक बार तो मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ कर वहाँ से अमृत निकाल लूँगा। ये हनुमान जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत ही विकट परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है प्रभु श्री राम के सामने। मेघनाद ने शक्ति बाण मारा है लक्ष्मण जी को और इस तीनों लोगों के जो स्वामी हैं
भगवान श्री राम उनके सामने उनके छोटे भाई सहोदर भाई मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, और भगवान श्री राम तो नर लीला में हैं, जो एक नर की मर्यादा है, एक मनुष्य की जो मर्यादा है, उस मर्यादा से बाहर भी नहीं आना है उन्हें, उस मर्यादा में रहकर ही बात करनी है, नर लीला करनी है। भगवान श्री राम आतुर होकर व्याकुल होकर वहाँ कह रहे हैं ये बात कि अगर मुझे पता होता कि ये दिन देखना होता कि मेरा सहोदर भाई इस अवस्था में, मूर्छित अवस्था में मेरे सामने इस तरह धरती पे पड़ा है, तो मैं कलंक सह लेता, पिता की बात भी नहीं मानता और मैं कभी वन में नहीं आता। अब मैं भाई के बिना कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या लौटूंगा कि दुनिया कहेगी कि स्त्री की खातिर भाई को गंवा दिया। मैं ये कलंक भी सह लेता कि राम में इतनी वीरता नहीं है कि वो अपनी स्त्री को छुड़ा सकें, मैं इस कलंक को भी सह लेता और मैं अयोध्या लौट जाता। यहाँ तक कहते हैं प्रभु श्री राम कि इस संसार में पुत्र, स्त्री, धन ये सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। अब इस करुण अवस्था में, इस विलाप की अवस्था में हनुमान जी वहाँ बैठे हैं और वहीं पे श्री राम से बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जब इस तरह की बातें कहें और हनुमान जी वहाँ चुप बैठे रहें, यह असंभव है। और वहीं पे गीतावली में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के मुख से कहलवाते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इस चंद्रमा के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे अमृत है, चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ कर वहाँ से अमृत निकाल लाऊं और लक्ष्मण जी के सिर पे डाल दूं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो पाताल में जो अमृत कलश रखा हुआ है और जिसकी रक्षा सर्प करते हैं, उन सभी सर्पों को मार कर वहाँ से इस कलश को उठा लाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो ये बात है ना कि अगले दिन सूर्योदय होगा तो लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा, तो मैं सूर्य को ही ना निकलने दूं, राहु से ढक दूं, यानी इस भुवन से, ये शब्द हैं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि हनुमान जी कहते हैं इस भुवन से, तीनों लोकों से भगवान सूर्य को ढूंढ लाऊं, पकड़ लाऊं और उसके बाद राहु से ढक दूं, सूर्योदय होने ही नहीं दूंगा। देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनको पकड़ के ला सकता हूं, और आपकी आज्ञा हो जाए तो जो मृत्यु के देवता हैं उन्हें मैं चूहे की भांति पटक कर मार डालूं। ये बातें कहते हैं हनुमान जी प्रभु श्री राम के सामने। और हनुमान जी की इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर कोई इस तरह की बात करे कि हनुमान जी करते हैं क्या, हनुमान जी सुन नहीं रहे, हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, तो ये हनुमान जी को मिथ्या दोष देना ठीक नहीं है। उनकी कृपा हो जाए तो क्षण भर में सब हो सकता है, सब संभव हो जाएगा। और वैसे भी जब आपको लगता है कि आपके करने से हो सकता है तो पहले जितनी चतुराई है, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, सामर्थ्य है, जो पौरुष है, जो पुरुषार्थ है, वो पहले कर लें, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो फिर हनुमान जी की शरण में आ जाइए। सब छोड़ के आ जाएं तो यकीन मानिए हनुमान जी सब कर देते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान साठिका, सुंदरकांड का पाठ, कोई भी भक्त इस भाव के साथ, इस बात को हृदय से स्वीकार करते हुए कि हनुमान जी सर्व समर्थ हैं, सब कर सकते हैं अगर वो कृपा कर दें। लेकिन बजरंग बाण में जो शपथ शब्द की बात की गई है, बार बार ये दुहाई दी गई है, हनुमान जी को विवश किया जा रहा है, उनको बाध्य किया जा रहा है कि आपको प्रभु श्री राम की कसम है, शपथ है आपको, दुहाई है आपको, आप ये काम करें। आप सोचिए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम का शपथ अगर हनुमान जी को दिलाया जाए तो कार्य अवश्य पूरा करेंगे। तनिक भी अगर आपकी श्रद्धा है हनुमान जी में तो ये कार्य तो निश्चित तौर पे पूरा हो जाएगा। लेकिन कार्य तो पूरा होगा, लेकिन अगर हम किसी को किसी कार्य के लिए उसकी इच्छा के विपरीत, उसकी स्वेच्छा नहीं है इसमें, इसके विपरीत अगर हम उसे बाध्य करते हैं, उसे मजबूर करते हैं, उस पर हम किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं, कसम दिला देते हैं, तो कार्य तो हो जाता है लेकिन संबंधों की जो मधुरता है वो कम होने लगती है, वो जो भक्ति भाव है
वो कम होने लगता है। इसलिए बताया जाता है कि जब विकट परिस्थिति आए, जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो और आप हनुमान जी के साधक हैं, तब ये पाठ कर लीजिए। लेकिन जहाँ पे सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सभी जानते हैं, जो भी बुद्धिमान है इस बात को समझते हैं। अब देखिए, प्रभु श्री राम की शपथ स्वयं एक बार हनुमान जी खाते हैं, उनकी कसम खाते हैं और बताते हैं, और वहाँ भी बहुत ही विकट परिस्थिति है। सुंदरकांड में आप सभी ने इसका पाठ किया है, हनुमान जी अभी तरुपल्लव के बीच में, तरुपल्लव महराहा लुकाई, वहाँ पे छुप के बैठे हैं और देख रहे हैं कि रावण अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे आया है और किस प्रकार से त्रास दिया है माता सीता को, किस प्रकार से धमकी दे के गया है कि एक महीने के बाद मैं लौट के आऊँगा और इस कठिन कृपाण से मैं सिर काट डालूँगा। राक्षसियाँ त्रास दे रही हैं, कहीं कोई अता पता नहीं है कि प्रभु श्री राम कब आएंगे। अगर माँ सीता भक्ति हैं और ईश्वर प्रभु श्री राम हैं, तो भक्ति की ये दीन अवस्था है जहाँ पे भक्त अपना पूरा जो संयम है वो खो रहा है, धैर्य खो रहा है। माता सीता के सामने भी यही स्थिति है और वहाँ पे वो कहती हैं त्रिजटा से कि मेरे लिए चिता तैयार कर दो, और वो कहती हैं अब किसी भांति जीवित रहना नहीं चाहती। ये बहुत ही विकट स्थिति है जहाँ पे ये स्थिति पैदा हो जाए कि अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, ऐसी विषम परिस्थिति है। उस विषम परिस्थिति में हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं, तो ऐसे में कैसे यकीन हो सकता है माता सीता को कि ये प्रभु श्री राम के दूत हैं। और यहीं पे इस बात के लिए, इस विश्वास को कायम करने के लिए, ये विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत में मातु जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन ही राम तुम कह सही दानी। यानी सत्य शपथ करुणा निधान की, प्रभु श्री राम की कसम की शपथ हनुमान जी खाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। यानी इस विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में शपथ की बात की गई है। तो जब भी जीवन में इतनी विकट परिस्थिति आ जाए जहां कोई रास्ता ही ना सूझ रहा हो, कुछ भी राह दिखाई ना दे रहा हो, तब बजरंग बाण का पाठ करें आप, अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। लेकिन जहां पे हनुमान चालीसा ही सर्व फलदायी है, सब कुछ देने वाला है, उसी से सब कुछ मिल जाता है, तो वहां तो हनुमान चालीसा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तमाम सिद्ध साधकों का कहना है कि जो भी भक्त बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं वो करें, लेकिन विषम परिस्थिति में, बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई हो, अब कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो हनुमान जी पे भरोसा रखते हुए, उन पे विश्वास करते हुए, और तब आप ये बात जब कहते हैं, शपथ दिलाते हैं और दुहाई देते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका कार्य पूरा होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि लेकिन फिर वो जो संबंधों की मधुरता है वो कम होने लगती है। एक जो भक्त और भगवान के बीच में एक जो एक मधुर संबंध और एक जो माधुर्य बना रहता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गांठ जरूर पड़ने लगती है। इसलिए ये तमाम जो विद्वानों का मत है वो हमने आपके सामने रखा है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं और कहते हैं कि उनके जीवन में इससे शुभता की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बहुत ही कारगर है, उनका भी सम्मान है, चूँकि सबके अपने अपने भाव हैं। कुछ ऐसे भी साधक हैं जो बजरंग बाण का पाठ सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अपने आराध्य हनुमान जी को कसम नहीं दे सकते, उन्हें विवश नहीं कर सकते, उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, उन्हें कैसे बाध्य करते, इसलिए वो नहीं करते। इसलिए एक बीच का रास्ता यही है और ये आपके विवेक पे है कि जब भी कोई विषम परिस्थिति आए, जब कोई रास्ता ना सूझे, तब आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पर हनुमान जी कृपा करेंगे ही करेंगे। और एक बार फिर से हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का जो पराक्रम है, वो आपके हृदय में जितना ही स्थापित होगा, जितना ही आपका विश्वास गहरा होगा, और जितना ही ये विश्वास आपका गहरा होगा कि आपके चतुराई से, आपके प्रपंचों से, पुरुषार्थों से सब होता है। अधिकांश लोग, कुछ लोग हमसे बातें करते हैं तो उसमें ये भी कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है, लेकिन गीता में तो कर्म की बात की गई है। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि गीता में अन्य मार्ग भी बताए गए हैं ईश्वर प्राप्ति का, उसमें भक्ति मार्ग भी है। कर्म से सब संभव है,
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कई बार पुरुषार्थ भी जब निष्फल जाने लगे तो विद्वजन बताते हैं कि उसे ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर पर छोड़ने के तात्पर्य क्या है कि आप अब प्रार्थना कीजिए, अब बस सिर्फ प्रार्थना ही बाकी रह जाती है। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि वह कृपा कर दें तो निश्चित तौर पर सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो विकट परिस्थिति में आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, बाकी अन्य समय सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर आपने ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है, अगर आप समर्पित हो गए हैं, तो क्या विकट परिस्थिति और क्या अनुकूल परिस्थिति, सब एक जैसा ही रहता है, सब हनुमान जी संभालते हैं। और जो हनुमान जी का आश्रित है, जो हनुमान जी के भरोसे है, जो हनुमान जी का जिसने आश्रय ले लिया है, विश्वास कीजिए उसका सारा कार्य हनुमान जी स्वयं संभाल लेते हैं। विशेष कुछ इसमें करने की और कहने की आवश्यकता बचती नहीं है, इसलिए इस भरोसे को कायम रखिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सियाराम।